Hi guys, my name is Azaab and welcome to my chaotic vlog. This is what happened when you make a chupke imtiaz mein vlog banate just for the sake you have to content create. And I was taking Maggie le rahi thi, to maine usse kaha to make my video. MashaAllah, my DOP is so phattu that it took this angle where in the middle of it, uska anghoota bhi aa raha hai, lekin yaar mujhe na imtiaz jana aisa lagta hai ek task hai, mentally, physically. क्योंकि इतना रश होने लगा है, इतना लोग भर रहा है, एंड द ट्रैफिक, आई स्वेयर आप किसी वाले में भी चल जाए. खैर मैं दो तीन दफ़ा से तो मलीर कैंड वाले में जा रही थी, इट वॉज सुकून का, बट मलीर कैंड वाला हरकतें भी तो करते ना अभी एंट्री वेंट्री की, तो हम यहाँ गए थे. तो मैंने इसे रखा फ़ोन को अपनी ट्रॉली और मैंने कहा चलो ऐसे ही टाइम लेस बनाते हैं. मैं समझ रही थी मैं पूरी आ रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस देखो मेरी सिर्फ टांगे आई हैं. फिर मैंने कैमरा चेक किया, आई स्टार्टेड मेकिंग अ टाइम लैप्स अगेन. इम्तियाज इज गुड फॉर योर ग्रॉसरी शॉपिंग, जहाँ आप मंथली शॉपिंग करते हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर एवरी डे, बिकॉज वो ना टेक्निक सही होती है कि अगर आप सुपर मार्केट में एक चीज़ लेने जाते हैं तो यू बाय सो मैनी थिंग्स. तो इसलिए हम थैंक गॉड हमारे घर के करीब भी नहीं है, वरना हम तो हर दफ़ा यहीं जाते हैं. बट टू कैओटिक, टू रश इट वॉज, एंड एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग, तो यही होता है. बिकॉज मेरे हाथ में था इस वक्त फ़ोन और मेरा हाथ हिला तो कैमरा हिला था, तो इसलिए इतनी अच्छी फुटेज आई है इसकी. हम लिटरली आई डोंट नो व्हाई वी हैव टू गो टू एवरी सेक्शन जस्ट टू चेक एवरीथिंग आउट. एंड मेरी अम्मा को पता नहीं क्या शौक है हर जगह जाने का, मतलब हर आइल में जाएंगे जस्ट टू सी क्या नया आया है. एंड क्या वही सुपर मार्केट वाली टेक्निक, एक दफ़ा एंटर हो गया तो यू विल बाय बंडल ऑफ थिंग्स. इट इज़ बिग बट इट इज़ टू वट कैन वी से chaotic. जब आप यहाँ से वापस निकलते हो सब देर पार्किंग का सब देर रश एंड एवरी थिंग, सो तभी मुझे वाला इम्तियाज ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट जाना पड़ता है, मजबूरी है. इसके बाद हमने प्लान किया था कि वील गो टू समवन समवेयर, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर भी आना पड़ा. वो अलग बात है, यहाँ पर हम पता नहीं क्यों खड़े हुए थे. आई लव दिस जगह, आई स्वेयर, जहाँ बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक होती है, आई जस्ट लव दिस जगह. हम लेते नहीं हैं पता नहीं क्यों, बट या अब मेरी अम्मा कुछ ना कुछ चीज़ें देख के ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अरे ये गिलास देखो, अरे ये देखो, एंड आई एम लाइक नहीं खरीदना तो चले. एंड फाइनली वी आर गोइंग अपस्टेयर्स ताकि हम बस चेकआउट करें और जाएँ घर फाइनली, लेकिन हम घर नहीं जा रहे थे. और ये पता नहीं क्यों हमारे रिश्तेदार हमेशा इतना दूर रहते हैं कि मैंने तो किया था कि वहाँ से ना पहाड़ दिख रहे थे, और जैसे ही उन्हें चाची क्या पहुँची, उन्होंने मुझे गंदी वाली ट्रीट दी, वो जो हम याद है बचपन में चॉकलेट वो खाते थे आइसक्रीम, दिस वर द वन एंड इट वाज सो डिलिशियस ब्रो. मैं तो जाते ही वो खाया था, इट वाज सो गुड. और पान वाला वो भी, और फिर मैंने अपने छोटे कदम से कहा चल चल मालिश कर, तो आई वाज चिलिंग. और पता नहीं क्यों ये कमरे सजाते थे दूल्हा दुल्हन के लिए, जो दूसरे दूल्हा दुल्हन ना भी हों वो भी इंजॉय करें.